हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे एनटीपीसी ने जॉब वैकेंसी निकाला है एज अ इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग 2022, जिसका सिलेक्शन गेट 2022 के थ्रू होगा। तो आइए जान लेते हैं कि उसके लिए क्वालिफिकेशन, वैकेंसीज, कंपनसेशन पैकेज और बाकी सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन है फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विथ नॉट लेस देन 65% मार्क्स एज रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज। फुल टाइम बैचलर डिग्री जो जिसमें मिनिमम जो मार्क्स है वो 65% है एज पर रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से, और जो 55% मार्क्स है वो SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए है। और जो इसमें क्वालिफिकेशन मांग रहा है वो है कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, मतलब कि गेट 2022 के वो जो कैंडिडेट्स है वो गेट 2020 में क्वालिफाइड होना चाहिए। अ कैंडिडेट विच हैव द प्रिस्क्राइब डिग्री आइडेंटिफाइड फॉर द डिसिप्लिन एज अ गिवन विलो ओनली अप्लाई फॉर द पोस्ट EET इन रिस्पेक्टिव। जो कैंडिडेट जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर वो सभी डिटेल इनसे आपकी डिग्री से मैच करते तो आप इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं डिसिप्लिन एडवर्टाइज। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग। अब जान लेते हैं इसकी एज लिमिट की क्राइटेरिया क्या है। अपर एज लिमिट इज 27 ईयर ओल्ड एज ऑन लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन के जो लास्ट डेट जिस दिन ऑनलाइन एप्लीकेशन कम्प्लीट होगा उस दिन जो एज है वो अपर एज लिमिट 27 ईयर्स होनी चाहिए। अब जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका। एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैज अपीयर एंड क्वालिफाइड गेट 2022। जो कैंडिडेट है अगर उन्होंने गेट 2022 क्वालिफाइड किया है तभी वह इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। कैंडिडेट सेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन गेट 2022 परफॉर्मेंस। जो कैंडिडेट है उनका जो शॉर्ट लिस्टेड होगा वो गेट 2022 के बेस पे उनका सिलेक्शन होगा। बाद में फिर उनको ऑफर लेटर अपॉइंटमेंट किया जाएगा। गेट 2022 पेपर का डिस्कस बिलो किया गया है, तो देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग गेट पेपर 2022, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है जिसका पेपर कोड EE है, और अगला है मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसका पेपर कोड ME है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जिसका पेपर कोड EC है, अगला है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग जिसका पेपर कोड IN, सिविल इंजीनियरिंग का CE और माइनिंग इंजीनियरिंग का MN है। अब जान लेते हैं वैकेंसीज कितनी कितनी हैं। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज इन्होंने यहाँ डिस्कस किया है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसमें टोटल वैकेंसी 280 सीट्स हैं जिसमें अनरिजर्व 172 है, EWS 19 सीट है, OBC में 36, SC में 35 और ST में 18 वैकेंसीज निकली हैं। वही बात करें मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकली हैं, टोटल 360 सीट हैं जिसमें अनरिजर्व की 205 हैं, वैकेंसीज में 21 सीट हैं, OBC में 51 सीट हैं, SC ST और OBC। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन की, जिसमें टोटल जो वैकेंसीज है 164 वैकेंसीज है जिसमें अनरिजर्व 76, वैकेंसीज 14, OBC में 43 सीट्स, SC में 24, ST में 7। सिविल में टोटल सीट 30 हैं, 30 हैं, अनरिजर्व में 14 सीट्स हैं, EWS में 2 सीट्स हैं, OBC में 8 सीट हैं, SC में 4, ST में 2। माइनिंग में टोटल सीट 30 है जिसमें अनरिजर्व 11 हैं, EWS में 3 सीट्स हैं, OBC में 8 सीट हैं, SC में 5 हैं, ST में 3 हैं। तो इसमें जो वैकेंसी है EWS कैंडिडेट है वो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन निकालनी है EWS कैंडिडेट के लिए, वो उनके बेसिस पे इन्होंने वैकेंसी से उन्होंने रिजर्व की है। अब बात कर लेते हैं पैकेज की। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन्हें E1 ग्रेड की पैकेज मिलेगी जिसकी बेसिक पे होगी 40,000 से लेकर के 1,40,000, और जो अदर बेनिफिट्स मिलेंगी वो एज़ पर कंपनी रूल के हिसाब से मिलेंगी। वह आपका ट्रेनिंग टाइम भी स्टार्ट हो सकता है या फिर जब आपका जॉब लग जाएगा तब आपका
मिल सकता है, मिलेगा। अब बात करते हैं प्लेसमेंट के, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो एक साल के लिए ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, वो अलग अलग प्लेसेस पे जा सकते हैं। और जो फाइनल प्लेसेस पोस्टिंग होगी, मतलब ट्रेनिंग के बाद जो आपका पोस्टिंग होगा, वो डिपेंड होगा आपके ट्रेनिंग पे, जो एक साल आपने ट्रेनिंग की है उसके बेसिस पे आपकी जो पोस्टिंग है वो डिसाइड की जाएगी। और जो कैंडिडेट है वो पूरे, मतलब पूरे देश में कहीं भी उनकी पोस्टिंग लगा दी जा सकती है। जो कैंडिडेट है उनकी दोनों टाइम जो ट्रेनिंग है चल सकती है, वो डे टाइम हो सकती है या फिर नाइट शिफ्ट हो सकती है, दोनों में से किसी एक शिफ्ट में उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है या फिर उनको एज अ पोस्टिंग किया जा सकता है। अब जान लेते हैं हेल्थ के बारे में। तो बिफोर ज्वाइनिंग कैंडिडेट हु विल हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन बाय एनटीपीसी मेडिकल बोर्ड। तो आपको ज्वाइनिंग से पहले आपकी जो टेस्ट हो, मेडिकल टेस्ट होगा जो एनटीपीसी मेडिकल बोर्ड द्वारा होगा, और जो उनका डिसीजन आएगा उसी के बेसिस पे आपकी पोस्टिंग होगी। और उस अगर आप में आपके बॉडी में कोई डिफेक्टेड या कोई इंजरीज मिलती हैं तो रिलैक्सेशन का टाइम नहीं दिया जाएगा। और बाकी आपको जानकारी चाहिए तो इनके वेबसाइट पे careers.ntpc.co.in पे आप चेक कर सकते हैं। अब जानते हैं अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट है वो नीड टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर एनटीपीसी ईईटी इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग 2022 ऑन द वेबसाइट। आप इनके वेबसाइट पे जाके गेट रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट है उन्हें अपना ऑनलाइन फ़ोटो अपलोड करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम। तीसरे पॉइंट्स में लिखा है जब आप रजिस्ट्रेशन करिएगा तो जो गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे केयरफुली फिल करिएगा। जब आप सक्सेसफुली आप रजिस्टर कर लेंगे तो एक यूनिक रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा, जिसका आप जो फ्यूचर में यूज़ होगा, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन स्लिप निकाल के रख लीजिएगा, प्रिंट आउट कर लीजिएगा। चौथा पॉइंट में लिखा है कि जो भी आप डिटेल फिल कर रहे हैं गेट 2022 के बेसिस पे, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर जो आपका नाम है, वो आप गेट में जो स्कोर कार्ड है उसके बेसिस पे ही फिल करिएगा, क्योंकि बाद में आपको चेंज करने की कोई, आप उसे बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। पांचवें पॉइंट्स में लिखा है जो कैंडिडेट्स हैं वो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो उनकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है नॉन रिफंडेबल, वो वापस नहीं होगी, और उसकी जो फ़ीस है वो 300 रुपये है। और जो एससी एसटी पीडब्ल्यू बीडी एक्सएमएस कैटेगरी के लोग हैं उन या फीमेल हैं, तो उनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है। आप जो पेमेंट है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से किसी मोड में कर सकते हैं। जो सिक्स में है वो ऑफलाइन मोड के बारे में डिस्कस किया गया है। जो सेवन में वो ऑनलाइन मोड के बारे में डिस्कस किया गया है, जिससे कि आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। आठवें पॉइंट में लिखा है कि आप एक बार जो फीस पेड कर देंगे वो किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर रिफंड नहीं की जाएगी, तो इसलिए आप जो भी डिटेल फिल कर रहे हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं, उसका प्लीज़ एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लीजिएगा, फिर तभी उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस पेड करिएगा। और कुछ जनरल इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन दिया गया लास्ट में, जैसे कि आप इंडियन होने चाहिए, इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई। एक भारतीय नागरिक ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। पॉइंट्स में लिखा है कि जो भी डिटेल ऊपर बताई गई हैं वो सभी आपके जो ये आपका एप्लीकेशन है वो सभी क्राइटेरिया को फॉलो करते हो, तभी आप इस फॉर्म को फिल करिएगा। तीसरे पॉइंट में लिखा है कि जो भी कैंडिडेट्स की जो क्वालिफिकेशन है वो भारतीय किसी विश्वविद्यालय से होना चाहिए, और जो उनका जो इंस्टीट्यूट है वो AICTE के से अप्रूव्ड होना चाहिए। जो ऑल कंपनसेट ऑफ एज क्वालिफिकेशन है वो विथ रेस्पेक्ट द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एज मेंशन ऑन द एडवर्टीजमेंट। पाँचवें में लिखा है नो मैनुअल पेपर एप्लीकेशन विल बी इंटरटेन। पांचवा पॉइंट है छठे में लिखा गया है कि रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाया है, अगर ज्वाइनिंग के बाद या ज्वाइनिंग के बीच में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत पाया जाता है
या फिर आपके किसी डॉक्यूमेंट से वेरीफाई नहीं होता है तो वो किसी भी टाइम आपको डिसक्वालीफाई कर सकते हैं। सातवें में लिखा है, सातवें पॉइंट्स में लिखा है, ईमेल आईडी जो आप एप्लीकेशन में एंटर कर रहे हैं वो आपका कम से कम 1 साल के लिए होना चाहिए, क्योंकि आप उसे चेंज मत करिए, क्योंकि जो भी आप फ्यूचर भविष्य में जो भी इंफॉर्मेशन वो देंगे वो आपको ईमेल के थ्रू ही देंगे। जो आठवें पॉइंट में लिखा है, जो कैंडिडेट्स इंप्लॉय हैं विथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट PSUs ऑटोनोमस बॉडीज़ आर रिक्वायर्ड टू सबमिट रिवीलिंग लेटर। जो कैंडिडेट्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट PSUs ऑटोनोमस बॉडी से हैं वो एक रिलीविंग लेटर जो करेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपको ज्वाइनिंग के टाइम वहाँ पर जमा करना होगा। नवे पॉइंट में लिखा है, द मेरी फैक्ट दैट द कैंडिडेट हैज सबमिटेड एप्लीकेशन अगेंस्ट द एडवर्टीजमेंट एंड अपेरेंटली फुलफिलिंग द क्राइटेरिया एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टीजमेंट वुड नॉट बेस्टो हिम एंड हर द राइट टू बी डेफिनेटली कॉल्ड फॉर अ फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। नवे पॉइंट्स में लिखा है कि जो कैंडिडेट ने एप्लीकेशन सबमिट किया है और जो जो क्राइटेरिया उन्होंने दिया है वो सभी वो फुलफिल करते हैं, लेकिन किसी तरह से उन्हें ऑफर लेटर नहीं आता है तो वो डेफिनेटली आपको बाद में सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कॉल कर सकते हैं। दसवें पॉइंट, NTPC रिजर्व द राइट टू कैंसिल रिस्ट्रिक्ट एनलार्ज मॉडिफाई अल्टर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इफ नीड सो अराइज विदाउट इश्यूइंग एनी फर्दर नोटिस और असाइनिंग एनी अदर रीज़न व्हाट्सएवर। ग्यारह पॉइंट्स है, एनी प्रोसीडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर ऑफ क्लेम डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ हिज एडवर्टीजमेंट एंड और एन एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स देयर टू कैन बी इंस्टीट्यूट ओनली इन दिल्ली एंड कोर्ट ट्रिब्यूनल फॉर्म्स एट दिल्ली ओनली शैल हैव सोल एंड एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन टू ट्राई सच एज कॉज डिस्प्यूट। बारहवें पॉइंट में लिखा है, इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी डिस्प्यूट अराइज ऑन अकाउंट ऑफ इंटरप्रिटेशन इन वेरियस अदर दैन इंग्लिश द इंग्लिश वर्जन विल बी प्रिवेल। लास्ट में जो इम्पोर्टेंट डेट उन्होंने दिया है, जो कमिशमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होगा वो 28/10/2022 से स्टार्ट होगा, मतलब 28 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होगा, और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 11 नवंबर 2022 को लास्ट डेट है। तो आई होप आपको सभी क्राइटेरिया और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और एग्ज़ाम से नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।